आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है रामाधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तबले में कुल कितने वर्ण होते हैं और उनको निकालने की विधि। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप हिंदी वर्णमाला के अनुसार से देखते होंगे तो वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या शब्द। ठीक है, क्या होता है? ध्वनि या शब्द। हम जब कुछ उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लेटर्स या साउंड। ठीक है, तो जैसा कि आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि तबले में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, तबले में कुल 10 वर्ण होते हैं। और वो 10 वर्ण कौन कौन से हैं वो आप सबसे पहले आप अपने नोटबुक पर लिखेंगे, और उसे निकासी कैसे किया जाता है, तबले पर उसे कैसे बजाया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दाहिने जो तबला है, दाहिने तबले पे कौन कौन से वर्ण बजाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, जैसा कि हम आपको पहले बताए कि तबले में कुल 10 वर्ण होते हैं। तो 10 वर्ण में सबसे पहला है ता और ना, दूसरा तिन या ती, तीसरा दिन या थुन, चौथा ते या ती, पाँचवा तू, छठा रे या टे। ये 6 वर्ण हो गया। अब चलते हैं 7वां वर्ण, केवल बाएं पर ही वो बजाया जाता है। ठीक है, तो 7वां वर्ण है आपका घे या गे, 8वां वर्ण है क के की या कत। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 9वां, तो 9वां जो वर्ण है, 9वां और 10वां, ये वर्ण दोनों मिलाकर दोनों पे बजाया जाता है, तो वो है धा धिन या धे। समझ गए, तो ये कुल 10 वर्ण है। अब देखिए इसे निकासी की विधि क्या है। निकासी की विधि ता और ना, ये जो दो है ये चाटी पर ही बजाया जाता है। हालांकि मैं आप लोगों को वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि चाटी पर ही ता और ना बजाया जाएगा। अब तीन या ती कैसे बजाएंगे वो देखिए। तीन बजाएंगे लो पर और ती भी बजाएंगे लो पर, ये हो जाएगा ती तीन। समझ गए, क्लियर। दूसरा, अब तीसरा नंबर चलते हैं, तो तीसरे नंबर पर दिन या थुन, तो दिन ये हो गया, थुन आपका ये हो गया, दोनों एक ही तरीके से बजाया जाता है। ठीक है, अब चौथा नंबर, तो ते और ती, तो ये हो जाएगा आपका ते, ये हो जाएगा ती, जैसे बजाते हैं धा ती या धा ते टे, ते टे ती ट, ती ट ते टे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ते, ते इसे ती भी कहेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत? यदि कोई प्रश्न हो तो आपके मन में, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब 5वां नंबर जानते हैं तू, तो तू कैसे बजाया जाता है? खुला घा तू, 5वां नंबर ये हो गया। अब 6ठा नंबर रे टे। ठीक है, तो रे और टे जो है वो स्याही के बीचों बीच ही बजाया जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं 7वां नंबर, तो 7वां नंबर घे और घे, डग्गे पर बजाया जाता है। 8वां नंबर क के की कत, ये सब जो है डग्गे पर बजाया जाता है, सेम इसी तरीके से क के की कत। ठीक है, अब जानते हैं धा, तो धा को कैसे बजाया जाता है वो तो आपको पता है, चाटी पर ना डग्गे पर घे हो जाएगा धा। ठीक है, धा। अब धिन, तो लौ पर तीन, डग्गे पर घे धिन या धी बजाएंगे, तो ती, डग्गे पर घे धी धिन धी। समझ गए, कोई दिक्कत? यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। शुरुआती से तबला सीखना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे नंबर पर कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी देकर आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया तबले के कुल 10 वर्ण, और इसी 10 वर्ण के मेल से जितने भी हम लोग बोल बजाते हैं, चाहे कायदा बजाएँ, तीन ताल, रूपक ताल, झप ताल, एक ताल, कहरवा, दादरा, है ना, जो जितने भी प्रकार के ताल बजाएँ, जो भी बोल बजाएँ, सब इन्हीं के मिश्रण से बनता है। जैसे मेरा नाम है रामाधीन पंडित, तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार से हिंदी में कुल कितने अक्षर हैं, तो 52 अक्षर है।
तो जो मेरा नाम लिखाएगा तो वो बावन अक्षर के अंतर्गत ही आएगा, उसी में ना आएगा, बावन अक्षर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप इंग्लिश में चले जाइए, तो इंग्लिश में कुल कितने वर्ण हैं, तो 26 लेटर्स कितने, 26, तो 26 लेटर्स हैं। तो मेरा नाम है राम अधीन पंडित, तो उसमें मिलाएंगे 26 लेटर्स में, तो मिल जाएगा आर ए एम ए डी एच आई एन पी ए एन डी आई टी, तो उसके अंतर्गत ही आएगा, समझ गए। तो यही होता है लेटर्स, लेटर्स का ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है। सर्वप्रथम किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके लेटर्स का ज्ञान होना आवश्यक है, समझ। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय सियाराम।